अब ये बताएगा आप बहुत ज्यादा इंडिया के क्रिकेट को फॉलो करते हैं, लेकिन ये बाबर आजम ने क्रेडिट दे दिया अपनी उम्दा कारकर्दगी का विराट कोहली को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो अली, जो बड़ा प्लेयर होगा, जो बड़ा इंसान होगा ना, वो हमेशा मान, देखें बाबर आजम नो डाउट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन द पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड क्रिकेट हैज सीन, लेकिन देखिए उसने खुद कहा है कि विराट कोहली कहां और मैं कहां। फिर देखो अली, अगर आपका बदतरीन दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके डोमेस्टिक सिस्टम को हम अगर हमने फॉलो, ऑस्ट्रेलिया का तो फ्लॉप हो रहा है, सिस्टम खत्म हो रहा है, आप उसकी छह टीमें, कहां उनकी आबादी, कहां हमारी आबादी। आप देखें, आपने अभी इंडिया की बात की है, 1.5 अरब की आबादी है, 39-40 टीमें हैं, 9,000 रजिस्टर्ड प्लेयर है, हमारा 192 प्लेयर है, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं। डिपार्टमेंट क्रिकेट होगी अली सलमान, तो आपकी क्रिकेट में पैसा आएगा, जब प्लेयर खुशहाल होगा, ब्रेड एंड बटर से बाहर आएगा। अभी आपके पास बैठे हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां दी हैं, उनको आपने बाहर बिठा दिया रक्षा चलाने के लिए, किसी को टेबल बॉय बना दिया, किसी को डिलीवरी बॉय बना दिया। ठीक है, आज आप खुश हैं, बहुत नाराज रहते हैं पाकिस्तान टीम से, और आज पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दिए, इसमें कोई खुशी की खबर है आपके लिए, इसमें भी कुछ निकाल लिया आपने? अच्छा मौसम, आज के मैच को जरा देखते हैं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ 200 रन हो गए थे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान के 200 रन चेस कर जाएगा? क्योंकि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी कहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा लड़खड़ा जाती है बड़ा स्कोर देख के। देखिए अली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता था कि हम कर जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे कि बाबर आजम जो इस वक्त आईसीसी ओडीआईज में नंबर 1, टी20 में नंबर 3, और वो 50 बॉलों में 50 और 50 करके ही आउट हो जाए, कि जनाब बाकी तरफ से विकटें गिर रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा ये बात मानेगा। और अगर आज वो यही इनिंग्स फिर खेलता, तो फिर आपकी टीम आज मेरा नहीं ख्याल है अली भाई 150 भी करती, एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान। लेकिन अगर आप 49 बॉलों में 50 करेंगे और फिर 50वीं बॉल पे आप आउट हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये आप टीम के कॉल। फिर उधर देखे ना कि उनके 7 मेन प्लेयर नहीं है, ना नोकिया, ना रबादा, ना डीकॉक है, ना निकिती है, ना डूसन था, ना मतलब 7 लोग नहीं थे, रबादा भी नहीं है। उन्होंने जिस तरह चेस किया 6 ओवर पहले, आज जो पाकिस्तान खेला, ऐसी इनिंग्सें चाहिए। ठीक है, और देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, देखिए मैच आपको गारंटी नहीं। मोहसिन भाई, इसमें जरा सा इनपुट देना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉलर मेरे साथ मौजूद है। कोई प्लेयर नहीं चल रहा उधर, आप पड़ोस में अपने देखें, जो प्लेयर आता है वो वर्ल्ड क्लास है। हम वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से पका के प्लेयर लेते हैं, हम कच्चे आमों को लेके आते हैं। अगर आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि 6 प्लेयरों का कोई फर्क नहीं पड़ता, शाहीन शाह अफरीदी आपका वाइड बॉलर है जो तीनों फॉर्मेट में खेल रहा है, 14वां मैच था उसका, 6 मैचों में वो कोई विकेट नहीं ले सका, किसी मैच में वो 3 विकेट नहीं ले सका, आज के मैच में आखिरी बॉल पे उसने आउट किया, क्या मैं खुश हो जाऊं? जो कल का परसों का मैच था उसमें 140 जो हमने किया, 36 बॉलें पहले साउथ अफ्रीका